सेवा 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 जवाहर, आप सभी का आपका रास्ता यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज साथियों हम बताने वाले हैं ग्रामीण खेती के बारे में। मैं ये वीडियो जो है उन गांव में रहने वाले लोगों के लिए बना रहा हूँ। वो सारा का सारा सामान जो है बाजारों से खरीद कर लेके आते हैं, जबकि उन चीज़ों को वो खुद पैदा कर सकते हैं, जैसे कि हल्दी, मिर्ची, धनिया, टमाटर, गोभी, बैंगन, भट्टा, अदरक, लहसुन, प्याज, आलू। ये ऐसी चीज़ें हैं जो हर कोई अपने घर में खाता है, लेकिन वो बाज़ारों से लेकर आते हैं। उससे क्या होता है कि हम अपनी आमदनी का, हम अपने आय का बहुत सारा रुपया जो है बाजार में दे के आते हैं। यदि इसको सामान्य भाषा में देखा जाए कि हम दिन रात मेहनत करते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं और उनसे बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन उन पैसों का उपयोग जो है हम इकट्ठा करते हैं और बाजार में जाके लोगों को, दूसरे लोगों को दे देते हैं। जबकि यदि हम एक छोटा सा प्रयास करते हैं, हमारे सभी किसान भाइयों के पास में ज़मीनें हैं, किसी किसी के पास में 5 एकड़ होगी, किसी किसी के पास में 10 एकड़ होगी, किसी किसी के पास में कम से कम 1 एकड़ तो होगी ही होगी। लेकिन यदि थोड़ी सी जगह पर आप खुद सोचिए कि यदि हम वहीं पर 10 पौधे मिर्ची के लगा लें, थोड़े से प्याज लगा लें, थोड़े से आलू लगा लें, थोड़ी सी भिंडी लगा लें, थोड़ी सी साग भाजी और लगा लें, भट्टा लगा लें, तो क्या हमें वर्ष भर इन चीज़ों को मार्केट से खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। यही हमारा पैसे की बचत है। पैसा बचाना ही पैसा कमाना है। मैं एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। यदि एक महीने की किसी की आय 25,000 रुपये है और किसी की एक महीने की आय 10,000 रुपये है, लेकिन एक महीने की आय का जो व्यक्ति है यदि उसके खर्चे 30,000 रुपये हैं और जिसकी मंथली की कमाई 10,000 रुपये है उसके खर्चे 5,000 रुपये हैं, इनमें से पैसा वो व्यक्ति कमाता है जिसकी कमाई 10,000 रुपये प्रति माह है। क्यों? क्योंकि वो 5,000 रुपये बचाता है। मेरा मतलब समझिएगा साथियों कि पैसा बचाना ही पैसा कमाना होता है। आज हमारे साथ केवल यही समस्या रह गई है कि हम पैसा बचाना छोड़ दिए हैं। हमारे पास पैसा आता है और उसका भौतिक सुख सुविधाओं के लिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको आपके जीवन में जो सुख सुविधाएं हैं उनकी ज़रूरतों को आप पूरा ना करें, लेकिन भौतिक सुख सुविधाओं के लिए फालतू का बेवजह पैसा हम जलाते हैं, खर्च करते हैं। हम बेवजह पैसा खर्च करते हैं, जैसे यदि हम 10 किलोमीटर प्रतिदिन गाड़ी चलाते हैं तो आधा लीटर पेट्रोल हमारा जल जाता है। पेट्रोल की कीमत 80 रुपये लीटर है, 40 रुपये जो है हमारे प्रतिदिन ऐसे ही खर्च हो गए। साग सब्जी भाजी यदि से पैसे भी हम बचाना शुरू कर देंगे तो लगभग 300 से 350 रुपये हम सब्जियों में जो खर्च करते हैं वो पैसा हम बचा लेंगे, तो हमारे 350 से 300 रुपये होंगे। ये 40 रुपये, वो 350 रुपये, लगभग 400 रुपये हम बेफजूल कई चीज़ों में खर्च करते हैं। यदि हम इन्हीं सब पैसों को बचाकर 500 रुपये प्रति माह भी बचाते हैं, वैसे जो कैलकुलेशन होता है 500 रुपये हर सप्ताह खर्च का होता है यदि एक सामान्य परिवार में देखा जाए, और महीने में आप 1,000 से 1,200-1,500 रुपये तक की बचत कर पाएंगे। यदि आप अपने घर में थोड़ी थोड़ी सब्जियां उगाना शुरू कर दें और मार्केट के ऊपर किसी भी प्रकार से डिपेंडेंसी कम रहे, यदि आप किसी भी प्रकार से 500, 1,000, 1,200 या 1,500 रुपये ही बचा पाए, आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि यदि हम हर महीने ये पैसे बचाते हैं तो इसका करें क्या। मैं एक बहुत साधारण तरीका बताता हूँ जो आप सभी को अपनाना चाहिए, जो खेती कर रहे हैं वो भी, जो व्यवसाय कर रहे हैं वो भी, और जो नौकरी कर रहे हैं वो भी, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया ध्यान से सुनिएगा। यदि हम प्रति महीने 500 रुपये बचाते हैं तो 12 महीने मतलब एक साल में हम 6,000 रुपये बचाएंगे। अब इसको ऐसे समझिएगा, यदि 500 रुपये का आप अपने बैंक में RD रेकरिंग अकाउंट जो होता है यदि आप वो खोल लेते हैं, ये मैं बिल्कुल उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो गांव में रहते हैं, आपके बैंक के लिए बता रहा हूँ, आपको पैसा बचाना और उनको बड़े रूप में कैसे लाना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें कोई भी आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, केवल समझने की आवश्यकता है। यदि आप 500 रुपये की RD 5 साल तक चलाते हैं तो आपको 35,000 रुपये का फ़ायदा होगा, 35,000 रुपये। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि RD में पैसा हमेशा आपके पास, आपके अकाउंट में ही रहेगा। यदि आप यही अमाउंट जो है 500 रुपये 10 साल तक के लिए चलाते हैं तो आपको 83,000 रुपये तक का फ़ायदा होगा। और इसी प्रकार यदि आप 1,000 रुपये 5 साल तक के लिए चलाते हैं RD अकाउंट में डालकर,
तो आपको 70,000 रुपये का फ़ायदा होगा, और यदि आप 10 साल तक के लिए चलाते हैं तो आपको 1,64,000 रुपये आपके खाते में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। और यदि आप 1,200 रुपये 5 साल तक के लिए RD अकाउंट चलाते हैं तो 84,000 रुपये के आसपास जो है आपकी बचत की राशि रहेगी। और यही राशि यदि आप 1,200 रुपये 10 साल तक के लिए चलाते हैं तो आपको 1,97,000 साथियों 1,97,000 लगभग 2,00,000 रुपये जो है आपके खाते में रहेंगे। ध्यान दीजिएगा किस तरीके से हम पैसे को बचा सकते हैं। पैसा बचाना ही पैसा कमाना होता है, सबसे बड़ा मूल मंत्र है, बिल्कुल बांध लीजिए। पैसा बचाना ही पैसा कमाना है, क्या बांध लीजिए इस बात को, सोच लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए, पैसा बचाना ही पैसा कमाना होता है, सबसे बिल्कुल मूल मंत्र है जीवन का ये, पैसा बचाना ही पैसा कमाना होता है। अब यदि हम FD में आते हैं जो एक और अमाउंट होता है, यदि हमारे पास बड़ी राशि आ गई, 50,000 की बड़ी राशि आ गई, 1,00,000 की बड़ी राशि आ गई, यदि आपका 1,00,000 रुपए है तो आप फिक्स डिपॉजिट में डालिए, यदि आपके पास कुछ भी बड़ा पैसा आता है तो आप फिक्स डिपॉजिट में डालिए। इस प्रकार से जो है ये पैसा आप हमेशा अपने पास बचा के रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे, और एक निश्चित अमाउंट जो है हमेशा आपके बैंक में पड़ा रहेगा। हम छोटी छोटी बचत से, छोटे छोटे रुपए से हम बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं, छोटी छोटी बचत से हम पैसा बचा सकते हैं। ये हमारे उन किसानों के लिए है जो कि बहुत गरीब इस तरह के हैं, जो बहुत ही अपने आप को ये समझते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके पास ज़मीन है, आपकी जो सब्जियों की जो बीज आएंगे वो 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये इससे ज़्यादा के नहीं आएंगे। एक बार आपने वो बना लिया, आप थरहा बोलते हैं मिर्ची का पौधा यदि आपने एक बार बना लिया, भट्टा एक बार आपने बना लिया, तो वो बीज आपके यहाँ हमेशा रह जाएगा। जब आपको ये लगने लगे कि आप अपने ही पूर्ति करने लगे हैं, और इसके बाद जब आप आगे स्तर में आएंगे तो आप किसी को एक व्यवसाय का रूप दे सकते हैं, उससे आपकी अतिरिक्त आमदनी होगी। इस प्रकार से हम धीरे धीरे बढ़ेंगे साथियों। मेरे अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कौन कौन से व्यवसाय कर सकते हैं। ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है, उन सभी लोगों के लिए होगा जो अपने घर में बैठे हुए हैं लेकिन उनके पास करने के लिए कुछ आइडियाज नहीं है। आप हमसे मिलिए, हमसे संपर्क करिए, आपकी टीम से संपर्क करिए, आपका रास्ता से संपर्क करिए। आइए आप हमसे जुड़िए, आपके रास्ता से आप संपर्क करिए, निश्चित ही आपके रास्ता के माध्यम से हम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे, आपको मदद करेंगे, आपको सहयोग करेंगे। अंत में एक बात जरूर बोलना चाहूँगा साथियों, बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है, हमारे पास कुछ फ़ोन आए हैं पिछले कुछ दौरान से, कि क्या हम इस चीज़ का कोई शुल्क लेंगे। मैं बिल्कुल आपको इस चैनल के माध्यम से, हमारे माध्यम से बताना चाहता हूँ, रास्ता टीम से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति, कोई भी मार्गदर्शक आपसे जो है कभी भी किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लेगा। आपको मार्गदर्शन, आपको तकनीकी मार्गदर्शन, सभी प्रकार की जानकारी आपको निःशुल्क दी जाएगी। हमसे जो भी सुविधाएं हम देंगे वो सब आपको निःशुल्क देंगे, किसी भी प्रकार से आपको कोई शुल्क नहीं लगेगा। हमारा उद्देश्य केवल ये है कि आप अपने जीवन में अपनी ऊंचाइयों को, अपनी मंजिल को, अपने लक्ष्य को पाएं। हमारा उद्देश्य ये है, आपका रास्ता का उद्देश्य ये है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में सुखी रहे, खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, मजबूत रहे। इसी के साथ मैं आपको लास्ट में एक लाइन और कहना चाहता हूँ, इसको बिल्कुल बांध लीजिएगा, बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिएगा कि पैसा बचाना ही पैसा कमाना होता है, क्या कमाओ एक बार, क्या पैसा बचाना ही पैसा कमाना होता है। धन्यवाद, आपने मेरे वीडियो को सुना, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सेवा 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 जवाहर।